आज उबले हुए आलू और सूजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा हम लोग अनोखा और टेस्टी नाश्ता बनाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतना हेल्दी और नया नाश्ता बिल्कुल झटपट से और आसानी से तैयार हो गया। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो उबले हुए आलू, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, आधा ग्रेट किया हुआ गाजर, आधा कप दही, नमक स्वाद के अनुसार, हाफ चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स, हाफ चम्मच जीरा, हाफ चम्मच ब्लैक पेपर और मैंने यहाँ पर हरी मिर्च अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल पहले हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर देखिए एक पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी हमारी तैयार हो गई है दही आलू और टमाटर के साथ। अब इसमें हम लोग एक कप सूजी डालेंगे। सूजी आप कोई सी भी महीन वाली हो या मोटी हो, जो भी हो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। चूँकि हमें ये बैटर थोड़ा बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो हाफ कप के करीब यहाँ पर पानी डालेंगे, लेकिन बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसीलिए पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब यहाँ पर कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे जिससे हमारे नाश्ते का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हम लोग मिला लेंगे और इसके बाद इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे जिससे कि दही सूजी सब कुछ अच्छे से मिल जाए और स्मूथ हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं एक अगले स्टेप पर। यहाँ पर एक कप लेंगे, कप के अंदर हम लोग ये कोन डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से फैला करके डालेंगे। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बैटर को इसके अंदर हम लोग डालेंगे। ये नाश्ता बिल्कुल झटपट से घर के सामान से ही रेडी होता है और इतना टेस्टी और इतना अनोखा नाश्ता है कि अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चम्मच से मैंने जो है इसके अंदर जितना भी बैटर चाहिए उतना मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद इसे हम लोग टैप कर लेंगे और टैप करने के बाद इसे टाइट करके हम लोग इसके ऊपर गार्डर लगा देंगे। टैप करने से जब इसके अंदर एयर बबल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसे बिल्कुल टाइट जो है पैक कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग एक नॉन स्टिक का तवा लेंगे और उसे हल्का सा ग्रीस कर देंगे। अब इसे जो है अपने मन चाहे जो है साइज में इसके मुंह के ऊपर से सामने से कट कर देंगे और हम लोग अपने मन चाहे शेप और आकार में इसे देंगे। मैंने यहाँ पर इसे जलेबी के जैसा का आकार दिया है और ये नाश्ता यकीन मानिए इतना सॉफ्ट और यूनिक तैयार होता है और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल या नहीं हुआ है या तलने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों एक बार इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको या आपकी फैमिली को ये नाश्ता कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी बहुत सारी अनोखी और हेल्दी और टेस्टी बिल्कुल 5 से 10 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। तो दोस्तों इसे देखिए गोल्डन होने तक एकदम मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन होने तक दोनों तरफ से पलट पलट करके हम लोग इस नाश्ते को सेक लेंगे। मैं आपको यहाँ एक और बना करके दिखाती हूँ बिल्कुल हाथों को, और हाथों को उठाना नहीं है, नहीं तो उठाने से क्या होगा कि हमारा जो नाश्ता है वो बीच से टूट जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस अनोखे नाश्ते को आप एंजॉय कीजिए और हम मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।